हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिलकेश शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। जैसा कि आपको पता होगा कि इस सेशन से डिप्लोमा का कोर्स चेंज कर दिया गया है बहुत सा। तो ऐसे ही अपने फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको चेंज करके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम दे दिया गया है और उसको सब्जेक्ट कोड दिया गया है 1005। तो जैसा कि इसमें सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो इसमें बहुत से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब सारा नया ई लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है ई लेक्चर के थ्रू, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस टीम है तो सेमेस्टर स्कीम में इस फर्स्ट सेम में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए कुछ चेंजेस हैं इनमें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे सब सिलेबस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जैसा कि आपको पता होगा कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या ड्राइंग जो होती है, आपने दूसरा भी कुछ देखा होगा कि एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि आर्टिस्टिक जो ड्राइंग होती है वो एस्थेटिक या फिलोसॉफिकल बेस्ड होती है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे भी बेस्ड हो सकती है। और इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाएंगे तो वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन बेस्ड होती है। तो जैसा कि आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे आपको शो किया है डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग विच आर यूज टू एक्सप्रेस एस्थेटिक फिलोसॉफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वेर एज इंजीनियरिंग ड्राइंग हैज़ अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन बेस्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सबसे पहला आपका आएगा मैनुअल ड्राइंग और दूसरा आएगा कैड। तो इस बार आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा दोनों ही पार्ट डाले गए हैं। तो सबसे पहले आप जैसे देखेंगे इसमें मैनुअल ड्राइंग में आपको जैसे पता होगा कि आप बहुत सी एसेसरीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें ड्राइंग बोर्ड हो गया, पेंसिल हो गई, इंजीनियरिंग कंपास बॉक्स हो गया, जिसके अंदर की आपकी दूसरी एसेसरीज होती हैं। वो भी हम सारी आगे डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन सी एसेसरीज़ होती है, उनके कुछ पिक्चर्स भी हम आपको शो करेंगे। और दूसरा हो गया कैड। कैड इज़ कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग कह सकते हैं आप इसको। और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में आप जैसे देखेंगे कि कंप्यूटर में आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आप कंप्यूटर में जब इंस्टॉल करेंगे तो आप उसके लिए जो आप मैनुअल ड्राइंग है आप उससे हट के कंप्यूटर के अंदर ही डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे कि किसी बिल्डिंग का प्लान हो गया, कोई मशीनरीज़ की डिज़ाइन हो गई, ये सभी आप सारा डिज़ाइन कर सकते हैं उसके अंदर। और आप देखेंगे कि आजकल के टाइम में कुछ उसमें और एडवांस एप्लीकेशंस आ गई है, जिसमें फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग का एप्लीकेशन होता है जो कि स्पेशली 3D ड्राइंग्स में होता है। दैट मीन्स कि आपका जो भी बिल्डिंग्स है या स्ट्रक्चर है वो आप जब 3D में बनाते हैं तो 3D में बनाने के बाद में जब आप उसमें फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि उसमें बहुत से मटेरियल्स हैं जो आप मटेरियल को आप उसमें सुपर इम्पोज करेंगे या फिर यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसमें। फिर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद में फ़ोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग से आपको जो सारा पिक्चर जो अवेलेबल होगा वो सारा ऐसा होगा कि आपकी जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट होने के बाद आपको कैसी दिखाई देगी। तो इतना एडवांस लेवल पे तो नहीं जाएंगे, बट हाँ इसका कुछ स्टार्टिंग की जो बेसिक है कैड का वो हम जरूर कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि कैड के बारे में आपको पता होगा कि एक ऑटोडेस्क करके कंपनी है जिसने एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है जिसका नाम है ऑटो कैड। तो ऑटो कैड एक आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले आप एक मैनुअल ड्राइंग में चलते हैं। तो मैनुअल ड्राइंग में आप देखेंगे कि आपको कौन कौन से आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपको सबसे पहले हमने शो कर रखा है दैट इज़ ड्राइंग बोर्ड। तो आपको पता होगा कि ड्राइंग बोर्ड सबसे पहली नीड, अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत होगी।
क्योंकि वो एक आपका ड्राइंग शीट के लिए एक बेस का काम करेगा जिस पे कि आप शीट को फिक्स कर सकें। नेक्स्ट हो गया आपको ड्राइंग शीट। अब आप मार्केट्स में देखेंगे बहुत सी ड्राइंग शीट्स अवेलेबल हैं इन डिफरेंट साइज, बट आपको जो स्टैंडर्ड साइज है वही यूज़ करनी है ड्राइंग शीट के लिए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है इसमें मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन। तो ड्राफ्टर मार्केट में आपके पास बहुत से अवेलेबल हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से परचेज़ करके और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ड्राफ्टर का मोस्टली यूज़ कैसे क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेनिंग कंपास, डिवाइडर्स, पेंसिल, इरेजर एट्सेट्रा। तो जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट आ गया आपका स्केल्स। तो स्केल्स में मिनिमम आपको 12 इंच का स्केल की ज़रूरत पड़ती है, वो मेटेलिक भी हो सकता है या प्लास्टिक भी हो सकता है। और नेक्स्ट हो गया आपका प्रोटेक्टर हो गया। फिर आपके पास कुछ फ्रेंच कर्व्स हैं, फ्रेंच कर्व्स भी हम आपको दिखाएंगे कैसे क्या होते हैं फ्रेंच कर्व्स और उनका यूज़ कैसे क्या होता है। इसके बाद में आपकी ड्राइंग पेंसिल्स। अब ड्राइंग पेंसिल्स भी आपको कौन सी यूज़ करनी है, मोस्टली जैसे कि इसमें HB पेंसिल्स का तो उपयोग होता नहीं है, इसमें आपका 3H, 2H, 4H इन पेंसिल्स का यूज़ होता है। इसके बाद में इरेजर जो आपको पता है इरेज करने के लिए काम में आएगा। नेक्स्ट हो गया ड्राइंग क्लिप्स, पिन, एडहेसिव टेप। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता था कि हमने जो डिस्कस किया था कि ड्राइंग बोर्ड, तो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए आपको ड्राइंग क्लिप या फिर पिन की या फिर एडहेसिव टेप की ज़रूरत होती है। हम एडहेसिव टेप को अवॉइड करते हैं क्योंकि जब आप ड्राइंग शीट पे एडहेसिव टेप का यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है कि वो उसको कहीं शीट को फाड़ देगा। तो बेटर है कि आप ड्राइंग क्लिप या पिन का यूज़ करें। नेक्स्ट इज़ शार्पनर, और शार्पनर के साथ में आप सेंड पेपर भी यूज़ करते हैं। शार्पनर को आपको जैसे पता है कि आप पेंसिल को शार्प करेंगे तो उसकी आप बार बार उसको शार्पनर से शार्प करने के बजाय आप सेंड पेपर का भी यूज़ करें जिससे कि उसको आप प्रॉपर यूज़ कर सकें। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पास है कि साइजेस ऑफ ड्राइंग बोर्ड कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो उनका डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे शो किया है B0, B1, B2, B3। तो मोस्टली जो आपके पास जो हैं जो यूज़ की जाती है वो लास्ट के जो टू दो जो दो ड्राइंग बोर्ड्स हैं B2 और B3, ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग बोर्ड्स। तो जैसे कि आप देखेंगे कि B0 इसकी साइज़ रहती है 1000 mm मल्टीप्लाई बाय 1500 mm। तो इसी के साथ B1 का आप देखेंगे तो ये वो है आपका 700 mm मल्टीप्लाई बाय 1000 mm। नेक्स्ट आपका है B2 500 mm एंड इसकी लेंथ हो गई 700 mm। B3 है आपका 350 mm एंड लेंथ हो गई उसकी 500 mm। अब आपके सामने हमने एक पिक्चर भी शो की है जिसमें ये ड्राइंग बोर्ड दिखाया हुआ है और इसमें आपको वर्किंग एज भी शो की हुई है। तो ऐसे ही हम आगे और इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे कि इसमें दिखाया गया है मिनी ड्राफ्टर। अब आप देखेंगे इसमें डिटेल में जैसे मिनी ड्राफ्टर है, अब मार्केट्स में तो बहुत से अवेलेबल हैं आजकल, बट आप जो देखें जैसे मोस्टली ओमेगा का जो ड्राफ्टर आता है उसमें एरर मिनिमम रहती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का एक ये पिक्चर मैंने एक शो किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक आपको ड्राफ्टर में क्लैंपिंग स्क्रू दिखाया हुआ है। इसका मोस्टली फंक्शन होता है कि इसको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करना। तो इसके बाद में एक क्लैंप का ये पूरा जो दिया हुआ है ये पोर्शन पूरा क्लैंप उसको ड्राइंग बोर्ड पे कवर करेगा। उसके बाद में उसको मिनी ड्राफ्टर को आपको फिक्स करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपके पास में हो गया है डबल पैंडोग्राम ऑफ बार्स। यहाँ पे ये बार्स दी हुई रहती है, ये इस पाइवट सर्कल के अराउंड मूव करती है। तो जब आप इसको जब आप ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करेंगे तो आप इन दोनों जो आपको बार्स नज़र आ रही है ये बार्स इस पाइवट प्लेट के ऊपर मूव करती है। तो इसको आप चाहें वैसे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि एक प्रोटेक्टर हेड है यहाँ पे। ये प्रोटेक्टर हेड भी इस जो इसके स्केल टच में है ये भी चारों दिशाओं में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रोटेक्टर हेड पर
दो स्केल्स अटेस्ट किए गए हैं और ये स्केल ही एक नॉब के थ्रू पायलट पे जो मूव करते हैं, और ये जो दोनों स्केल हैं ये स्केल 90 डिग्री पर फिक्स रहते हैं। बट ये जो दोनों 90 डिग्री पर फिक्स हैं ये इस नॉब पे जो यहाँ पे एक पायलट दिया हुआ है इसके सापेक्ष चारों तरफ घूम सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपका जो ये स्केल हो गया, ये स्केल फर्स्ट पायवट तो ये हो गया जहाँ पे आपकी ये डबल बार्स अटैच्ड हैं, और नेक्स्ट हो गया एक प्रोटेक्टर हेड जो हो गया यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में। ये जो दो नेक्स्ट जैसे कि आप इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और देखेंगे जो कि आपने इंजन ड्राइंग में यूज़ किए हैं या आप जो आप करेंगे, तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे एक सेट स्क्वायर्स हैं, प्रॉक्टर दिया हुआ है, इसके बाद में आपकी जो क्लिप्स हैं जो ड्राइंग बोर्ड पे यूज़ की जाती है वो दी हुई है, कुछ पेंच कर्व्स दिए हुए हैं तो ऐसे करके, और पेंसिल्स तो आपको पता ही है, इरेजर और नॉर्मल आपको जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी ड्राइंग्स बनाएंगे उस टाइम आपको और बता देंगे। इसी के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स साइज की ड्राइंग शीट हैं अकॉर्डिंग टू BIS, तो इसमें जैसे कि हमने दिया हुआ है कि उनको डेजिग्नेशन दिया हुआ है अलग अलग A0, A1, A2, A3, A4, और उनकी साइज़ आपको ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज़ आपको दी हुई है, तो आप इन साइज़ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो साइज़ है उनकी क्या रहेगी। नेक्स्ट एक जनरल लेआउट हमने बताया है इसके अंदर आपको ड्राइंग शीट का, कि उसमें ड्राइंग शीट में कैसे क्या रहता है। तो जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि आप जो ड्राइंग शीट आपको दी हुई है इसमें आपको देख सबसे पहले आपको देखेंगे तो इसमें देखिएगा आपको एक ट्रिम्ड एज दिखेगी आपको। इसके बाद में ट्रिम्ड एज के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर की साइड में फिलिंग मार्जिन जो है ये छोड़ा हुआ है। फिलिंग मार्जिन आप देखेंगे तो जनरली जो छोड़ा जाता है वो इसमें हमने जैसे इसमें तो 20 mm का शो किया हुआ है, बट जनरली आप इसको 40 mm लेके चलते हैं। 40 mm इसमें लेके चलते हैं क्योंकि जब आप इसको फाइलिंग करते हैं जब इन ड्राइंग्स को, तो फाइलिंग करने में थोड़ा इजी रहता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे इसके साथ में टॉप बॉटम, और ये टॉप आपका, ये बॉटम और ये साइड में, इनमें आप जनरली 20 mm की बॉर्डर को छोड़ते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका अंदर वर्किंग एरिया आ गया, वर्किंग एरिया के बाद में आपका एक टाइटल बॉक्स रहता है। ये एक हमने एक जनरल लेआउट बताया है, इसके साथ ही कुछ और लेआउट्स भी होते हैं। और जो ये टाइटल बॉक्स है, टाइटल बॉक्स के अंदर आपका शीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और नेक्स्ट आप देखेंगे ड्राइंग पेंसिल्स, कौन कौन सी ड्राइंग पेंसिल्स आपको यूज़ की जाती है इसके अंदर आप जनरली देखेंगे। तो अब आपकी जैसे कि पेंसिल्स की यूज़ करना और एक दूसरा आप कौन से यूज़ करेंगे, बट इसमें हम जनरल सारी टाइप के बता रहे हैं कि कौन कौन सी पेंसिल्स अवेलेबल रहती है। तो आपके सबसे पहले देखेंगे आपको मैकेनिकल ट्विस्ट पेंसिल्स आपको यूज़ जो नहीं की जाती है इसके अंदर। इसके बाद में आप जैसे चेक करेंगे कि सॉफ्टनेस एंड ब्लैकनेस के हिसाब से आप जब इसको चेक करेंगे तो 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, और भी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है सॉफ्टनेस और ब्लैकनेस का। आप जैसे 7B पेंसिल खोलेंगे तो बहुत डार्क होगी और 6B होगी वो बहुत सॉफ्ट होगी। इसके साथ ही HB जो है आपकी फुल मीडियम ग्रेन की है जो आप जनरली लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, ऐसे ही 9H, और ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। दैट मीन्स कि आप जैसे जैसे इसकी एच जो इंक्रीज हो रही है इसके साथ ही इनकी हार्डनेस इंक्रीज हो रही है। तो जनरली जो आप इसमें यूज़ करते हैं 2H और H पेंसिल्स यूज़ करते हैं, और समटाइम्स हम 3H पेंसिल भी यूज़ करते हैं, बट इनको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि जैसे जैसे आप जैसे मान लो 3H पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपने प्रेशर ज़्यादा लगा के शीट पे अगर यूज़ किया है तो वो उसके ऊपर इम्प्रेशन बना देगा शीट के ऊपर, और जब आप उसको इरेज करेंगे तो वो पेंसिल तो रब हो जाएगी, इरेज हो जाएगी, बट उसके बाद में उसके जो इम्प्रेशन होंगे वो नहीं जा पाएंगे। और कितनी बार अगर अगर आप उसकी शार्पनेस इतनी ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि शीट को भी आपको उसको शीट में कुछ कुछ इम्प्रेशन के साथ में कट लग जाए उसमें। तो बेटर है कि आप उसको सॉफ्टली और फ्री हैंड से यूज़ करें।